हेलो दोस्तों, नमस्कार। और दोस्तों, आज फिर एक पानी के टांके के अंदर से इंडियन स्पेटकल कोबरा का रेस्क्यू किया है। जो ये मेरे भाई राजू बामणिया, इन्होंने और इनको अभी इधर छोड़ रहे हैं, आज़ाद कर रहे हैं जंगल के अंदर। ये जंगल है तो यहीं पे आज़ाद कर रहे हैं। तो भाई खोल इसकी गाट को, इसको लकड़ी को ऊपर दे, पहले पक दे दबा, हाँ पक दे, आराम खोल दे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं 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 दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा, दौड़ेगा नहीं। ये राजू बामणिया जो भी सने को पकड़ता है, ये भी और माता नहीं है, और बहुत अच्छी बात है, ये जीवों पर दया कर रहा है। हाँ निकाल, उल्टा कर, देखो डर मत, डरना नहीं चाहिए। खतरा तो होता ही है दोस्तों, डरना तो पड़ता है, लेकिन फिर भी क्या है कि अभी निकल जाएगी। वो देखिए इंडियन स्पेटिकल कोबरा, ये इंडियन स्पेटिकल कोबरा जिसको आजाद कर दिया है। नहीं, उधर नहीं, इधर नहीं। देखिए एक बच्चा, बेबी कोबरा है, इसको आजाद। जाने। पदमरा नहीं, ये स्पेटिकल का निशान होता है ऊपर, जो स्पेटिकल कोबरा होता है ना, उसके ऊपर। दोस्तों ये जब ऐसा सांप निकलता है तो हमें सूचित करें, हमारे नज़दीक एरिया में हम इसको पकड़ेंगे और सुरक्षित जगह पर छोड़ देंगे। इसको मारना नहीं चाहिए, ये प्रकृति के लिए बहुत ही फायदेमंद जीव है। देखिए हमारे साथ में आए हैं, वीडियो करते राजू, तुम कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस जीवों की हत्या करने से कोई फायदा नहीं होता, और इस जीवों को कहीं भी हो तो बतावें, और इस जीवों को जंगल में छोड़ने से इसकी जान है उसके बचाव हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और इनके काटने पर भी आप अंधविश्वास के चक्कर में ना आए, अंधविश्वास के चक्कर में ना आए, और बात है कि झाड़ फूँक के चक्कर में न फंसे, और आप नज़दीकी ज़िला हॉस्पिटल जाइए जहाँ पर आपकी एंटी वेनम से जान बच सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।